नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज ऑल इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। एक नजर डालते हैं 5 मिनट में 25 खबरों पर। गाजीपुर बॉर्डर और आसपास के इलाकों में इंटरनेट सेवा रोक दी गई है। आपको बता दें कि गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत अपने समर्थकों के साथ डटे हुए हैं। दिल्ली स्थित इजरायली दूतावास के पास हुए बम धमाके में जुड़ा एक लिफाफा मिला, जिसके बाद इस घटना का ईरान कनेक्शन सामने आया। इस लिफाफे में इस ब्लास्ट को ट्रेलर बताया गया है और बदला लेने की बात कही गई। और वहीं जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। 2 आतंकवादियों ने हथियार समेत सरेंडर कर दिया और एक जख्मी आतंकवादी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एक आतंकी को गोली लगी है। मुंबई की लोकल ट्रेनों को 1 फरवरी 2021 से आम लोगों के लिए बहाल कर दिया जाएगा। हालांकि मुंबई लोकल में यात्रा के लिए यात्रियों को रेलवे द्वारा जारी टाइमिंग के नियमों का पालन करना होगा। मुरादाबाद में कोहरे के चलते बस और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है, 25 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती किया। बिहार के मोतिहारी में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। जमीनी विवाद को लेकर चाचा और भतीजे को मौत के घाट उतार दिया गया। इस वारदात को उस समय अंजाम दिया गया जब दोनों अपने घर में सो रहे थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। यूपी के बदायूं जिले में एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। पुलिस ने शिकायत के बाद 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। वाराणसी में सुलभ शौचालय पर ड्यूटी के दौरान बुजुर्ग चौकीदार को एक दबंग ने पीटा। इस चौकीदार का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने दबंग को शौचालय में बिस्तर डालकर सोने से मना कर दिया था। फिलहाल पुलिस ने दबंग को गिरफ्तार किया। और वहीं कासगंज में जमीन के बंटवारे को लेकर भाई ने ही अपने भाई को गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। हिसार में मास कम्युनिकेशन के दूसरे वर्ष के छात्र ने हॉस्टल के कमरे में फंदा लगाकर जान दे दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। मेरठ में महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने महिला के जेठ के बेटे को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। एसपी देहात ने बताया कि युवक अपनी चाची से नाजायज संबंध बनाना चाहता था। महिला ने विरोध किया तो आरोपी ने चाची की चाकू से गोद कर हत्या की। वाराणसी में एक युवक ने कमरे में फांसी लाकर खुदकुशी कर ली। स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल पुलिस मामले में छानबीन कर रही है। फरुखाबाद में गाड़ी में शख्स का शव मिलने से हड़कंप मच गया। दरअसल शख्स रिश्तेदार की शादी में गया हुआ था। फिलहाल पुलिस ने परिजनों को घटना की सूचना दे दी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू की। गोरखपुर में 2 किशोरों का शव एक साथ संदिग्ध हालत में मिला। शव से कुछ ही दूर चूहे मारने वाली दवा की खाली पुड़िया मिली है। मौके पर परिस्थितियों को देखकर फिलहाल खुदकुशी की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इत्मादपुर में आगरा हाईवे स्थित डे नाइट होटल और रेस्टोरेंट में पुलिस ने छापेमारी की तो वहां पर देह व्यापार का भंडाफोड़ हो गया। पुलिस ने 2 महिला और 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। होटल के कमरे में से बियर की बोतल 8,850 रुपये बरामद की है। मिर्जापुर में देर रात सोते समय सेना के जवान ने चाकू से गला रेतकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस ने पूछताछ की तो पति ने हत्या करने की बात स्वीकार कर ली। बताया कि पत्नी के ऊपर भूत प्रेत का साया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। रोहतक में कमरे में अंगीठी जलाकर सो रहे दंपत्ति की दम घुटने से मौत हो गई। मकान मालिक ने पुलिस को घटना की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगे की कार्रवाई शुरू की। और वहीं महाराजगंज में खून से लथपथ महिला का शव मिला है खेत में, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। ग्रामीणों से पूछताछ भी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के इटावा में एक रिटायर्ड फौजी ने महिला के साथ दुष्कर्म किया। महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने रिटायर्ड फौजी को गिरफ्तार किया। इंदौर में एक महिला की उसके प्रेमी ने हत्या कर दी। हैरानी की बात तो ये थी कि इस वारदात को महिला की 5 साल की बेटी के सामने किया गया। वहीं आरोपी और घटना का कुछ हिस्सा सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया, जिसके बाद देर रात पुलिस ने शख्स को हिरासत में लिया। गाजियाबाद में एक मजिस्ट्रेट ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या की जानकारी मिलते ही मजिस्ट्रेट को यशोदा अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस मामले में छानबीन कर रही है। यश और संजय दत्त स्टार फिल्म KGF चैप्टर 2 को रिलीज डेट का ऐलान कर दिया गया है। इस फिल्म को लेकर फैंस के बीच लंबे समय से उत्साह बना हुआ है। 16 जुलाई को KGF रिलीज की जाएगी। शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी को दोबारा ज्वाइन करने के लिए देर रात रवाना हुई। ऐसे में किंग खान बेटी को एयरपोर्ट पर ड्रॉप करने पहुंचे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभिनेता और फिल्म निर्माता फरहान अख्तर और रितेश को एक बड़ी राहत दे दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। बार्क की तीसरे हफ्ते की TRP आ गई है। इस बार टॉप 5 में नए शोज जैसे इमली, गुम है, किसी के प्यार में जैसे शोज ने बाजी मारी है। आपको बता दें कि टॉप 3 में आने वाले ये सभी शोज लॉकडाउन के बाद शुरू हुए थे।
फिलहाल 5 मिनट 25 खबरों में सिर्फ इतना ही, बने रहिए न्यूज़वेल इंडिया के साथ। नमस्कार।